जोहार आज हमनी जा रहल ही जमशेदपुर गोपाल मैदान आर ओकर में से नाश्ता चालू भेले यानी ट्रेन से बिहानी अंधारी हमनी रामगढ़ क्षेत्र के गोला प्रखंड के हती दादा सब सबसे बातचीत करबे यार देख सका है सबके भूखे प्यासे हमने शुरुआत कर ली है सखवा के पत्ते से और ये देखा हमने के बिहानी बिहानी के नाश्ता एकदम फ्रेश यानी फुलवल चना प्याज मुराय हमने ऐसे तो हमने सब इतनी उपजू है या कौन घर है लेकिन अभी ट्रेन ही तो कहीं ना कहीं रोजगार के अखनियों के साधन है तो अखनियों के तनी मुहैया कराया जाए मतलब हमने भी नाश्ता कर लो अखनियो के खातिर घूम आती और बातचीत करबे आरो दादा सबसे तो वीडियो में बनल रहा तो अभी कहाँ हमने जाके उतरबे अभी तो हम लोग आदित्यपुर में उतरेंगे उसके बाद बस में जाएंगे और दाल और खिचड़ी का मजा वहाँ का टीम बस मुहैया कराई है। हाँ मुहासा शैलेंद्र महतो जी पूरा व्यवस्था किए हैं बस के लिए। हाँ। और हम लोग सब टीम को अभी चना का मजा ले रहे हैं। हाँ। अभी खाली पेट में चना मूली का गाजर का सलाद सब मिला के चल रहा है। हमारे साथ में है हमारे माननीय मास्टर गोविंद मास्टर जी साथ में चना का मजा चश्मा पीन के ले रहे हैं मजा एकदम पूरा। और देखिए सर सर कुछ कहना चाहेंगे आप लीजिए ना ही लोग को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए दादा कुछ बोलना चाहिएगा। देखिए हम लोग अभी सुबह सुबह 4 बजे घर से हम लोग आए हुए हैं और हरबड़ा स्टेशन के बाद लंबी दूरी तय करने के बाद जो है कि पहली बार हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और वो भी बहुत खुशी हो रहा है कि नया नया साल का पतुआ से है ना सरे के पत्ता से हम लोग को नाश्ता मिला हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नया थाली नया गिलास प्लग। अच्छा आज आप लोग का क्या विशेष सुनने को जानने को मिलेगी वो बताइए। विशेष हम लोग वहाँ सभा में सुनने को ये मिलेगी कि हम लोग समाज की तरफ से क्या बिगुल फूका जाए आज और उम्मीद करके पूरे झारखंड के लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं जो चुने चुने अपने गांव के प्रतिनिधि लोग ना वार्ड से लेके जितने भी हम लोग समाज सेवी लोग सब जा रहे हैं जो कोई बस में आ रहा है कोई ट्रेन में आ रहा है कोई बाइक में आ रहा है जिसके पास जिस तरह की सुविधा उपलब्ध है वो अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं और वहाँ हमको लगता है कि लाखों से लाखों भीड़ होगा है ना कई लाख होगा इसका हिसाब किताब नहीं है। आधा मैदान में रहेगा और आधा बाहर में रहेगा हमको लगता है मैदान भी कम पड़ जाएगा इतना जुनून है जो 1982-85 का जुनून जो था झारखंड राज्य अलग करने में वही जुनून जो है कि अभी देखने को मिल रहा है हम लोग का। वही आसार उम्मीद करते हैं कि हम लोग को न्याय मिलेगा यही आंदोलन से अगर नहीं मिलता तो अगले इससे भी बृहद आंदोलन हम लोग पूरे झारखंड में करने का काम करें। धन्यवाद। जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं जो आयु में हमसे बड़े हैं उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। आज जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि वक्ता आज का इस जनसभा का उद्देश्य क्या है उसी उद्देश्य पे हम लोग बात करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है अतः समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को आज काफी संक्षेप में रखूंगा। आज की जनसभा का उद्देश्य है सम्मान और पहचान। सम्मान किनके लिए? सम्मान जिन्होंने इस राज्य को अलग किया हो चाहे इस देश को अलग किया हो जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चुहार विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो का। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं अगर उन दस्तावेजों में शहीदों की सूची को खंगाला जाए तो रघुनाथ महतो के शहादत की तिथि सन 1778 दर्शाई जाती है। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत वर्ष में दी गई है? क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत की माटी में दी गई है? इसीलिए हम सबसे पहली मांग आज की सभा को देश उस महापुरुष का सम्मान जिसने भारत वर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। आज समय समय पर लोग उनके जीवन काल उनके संघर्ष पर सवाल खड़े करते हैं जो कि दुर्भाग्य का विषय है। एक शहीद जो समूचे देश का होता है लेकिन आज लोगों की इतनी ओछी मानसिक राजनीति या मानसिकता कि आज एक शहीद पर सवाल किया जाता है जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज के जनसभा का उद्देश्य है उन शहीदों को सम्मान देना जिन्होंने हंसते हुए राज के लिए देश के लिए बलिदान दिया है।
पहचान। आज का मेरे अनुसार दूसरा विषय है पहचान का। पहचान जो लोग आज यहां जुटे हैं कुर्मी कम्युनिटी, जिनका इस राज के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोल्हान से लेकर कोलांचल तक जितने भी सड़कें मिलेंगी, सड़कें चौक चौराहे मिलेंगे, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां मिलेंगी जिन्होंने शहादत देकर इस राज का निर्माण किया है। इसलिए आज हमारी लड़ाई हमारी पहचान के लिए है कि हमने देश को भी दिया है। जब देश का सवाल हुआ हमने देश को दिया। रघुनाथ महतो, गोली महतो, चंदू महतो, न जाने कितने लोग हुए जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया, हमने देश को भी दिया। आज जब राज की जरूरत पड़े हमने निर्मल सुनील शक्ति सूदन के रूप में इस राज को भी दिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि देश ने भी हमसे लिया, राज ने भी हमसे लिया, बदले में हमें दिया क्या? जो मानसिकता है यहाँ के लोगों की और यहाँ राज में बैठे जो लोग हमारी पत्नी अस्पताल करते हैं, जो लोग हमारे विपक्ष की भूमिका में है, बड़े उड़ीसा के लोग पसंद है, बड़े भोपाल से, बड़े बांग्लादेश आए लोग समाज के रूप में पसंद है, लेकिन जिनका संबंध इस देश में, इस राज में, इस छोटे के पठार में धान के जिले का से है, बड़े पत्र महास है लोग। इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे चलता
जमीन किनकी है? धान की है। इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो उस समय पूरी तबकों की सरकारें हैं उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे हो, यदि हम सबसे